जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, हरदम हे नाथ कहकर भगवान को पुकारो। संसार की चाहना को छोड़ना हो तो भगवान को पुकारो। दुर्गुणों को छोड़ना हो तो भगवान को पुकारो। सद्गुणों को लाना हो तो भगवान को पुकारो। संसार का चिंतन आ जाए तो भगवान को पुकारो कि हे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं। जो होगा भगवान की कृपा से होगा, अपने बल से नहीं। बच्चे पर आफत आ जाए तो माँ को पुकारने के सिवाय वह और क्या करे। थोड़ा भी संसार का चिंतन है, आकर्षण है, तो रात दिन भगवान को पुकारो। संसार के चिंतन से रहित होते ही भगवान अपने आप मिल जाएंगे। भगवान के साथ हमारा संबंध स्वतंत्र है, किसी के अधीन नहीं है। बीच में दूसरे की आशा रखते हो, दूसरे से संबंध जोड़ते हो, यह बाधा होती है। केवल भगवान हैं और आप हैं, बीच में किसी की ज़रूरत नहीं है। आप सच्चे हृदय से भगवान के शरण हो जाओ और हे नाथ पुकारो। स्वप्न में भी किसी की ज़रूरत नहीं है। भगवान का जो नाम प्यारा लगता हो उसका जप करो और प्रार्थना करो कि हे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं। आपका कल्याण ज़रूर होगा, इसमें संदेह नहीं है। आज संसार में मुक्ति होना बड़ा कठिन हो रहा है। ऐसे समय सच्चे हृदय से भगवान का आश्रय लेकर, मैं भगवान का हूँ, भगवान हमारे हैं, ऐसा मानकर हे नाथ करते हुए भगवान को पुकारें तो सुगमता से सिद्धि हो जाती है। प्रत्येक कार्य को करने से पहले भगवान को याद करना चाहिए। कोई भी काम करें पहले भगवान को याद करें, यह हमारी संस्कृति की खास बात है। मैंने पढ़ना प्रारंभ किया तो सबसे पहले श्री राम जी लिखना सीखा, इसके बाद में वर्णमाला सीखी। अगर आप आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो हर एक काम से पहले भगवान को याद करें। सुबह नींद खुलने से लेकर रात्रि नींद आने तक चार पाँच पाँच मिनट के बाद बार बार कहते रहो, हे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं। भगवान सुलभता से प्राप्त हो जाएंगे। आप करके देखो, वृत्ति अच्छी हो या बुरी, भगवान को भूलो मत। आपको अब तक भगवान का जैसा स्वरूप समझ में आया है उसको हर समय याद करो। भगवान उसी को अपना स्वरूप मान लेते हैं, यह उनका कायदा है। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, ऐसे पुकारो भगवान को। भगवान सबके लिए सुलभ हैं। योग्य हों, अयोग्य हों, सदाचारी हों, दुराचारी हों, भले हों, बुरे हों, हर एक भाई बहन भगवान को अपना कह सकते हैं। कोई भगवान को पुकारता है तो उसके अवगुणों की तरफ भगवान की दृष्टि जाती ही नहीं, वे तो केवल उसकी पुकार को देखते हैं। हरदम मन ही मन यह प्रार्थना करते रहो, हे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं। एक प्रभु को याद रखने से सब ठीक हो जाएगा। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। हे नाथ, इसमें मन लगा दो, अन्य साधनों का भरोसा मत रखो। हे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं, इस प्रार्थना में बड़ा भारी बल है। निरंतर नाम जप करो और थोड़ी थोड़ी देर में यह प्रार्थना करते रहो, निहाल हो जाओगे। भगवान को भूलूँ नहीं, यह काम हमारा है और सब काम भगवान का है। आपको कुछ काम करना नहीं पड़ेगा। भगवान को याद करने से अंतःकरण स्वाभाविक निर्मल होता है और अच्छी बातें पैदा होती हैं। थोड़ी थोड़ी देर में कहते रहो, हे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं। हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं। फिर अपने आप सद्गुण आएंगे। भगवान को याद करने से, उनकी चर्चा करने से सद्गुण सदाचार स्वाभाविक आते हैं। हे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं, यह कहते रहो, फिर सब काम अपने आप ठीक हो जाएगा। जय श्री राधे।